थोड़ा और शाम होगा, जब अंधेरा हो जाएगा ना तब बॉल बॉल जलेगा, तब मस्त लगेगा। अभी तो धूप ही इतना है कि क्या पूरा होगा यार, पानी वानी भरा होगा ऊपर से इधर उधर, और उसके बीच में हम लोग मछलियों के बीच में चलेंगे। बट देखो ना मछली बहुत ही बड़ा मछली है। दीदी भी बैग पसंद कर रही है, दो बैग पसंद आया बट दोनों में कंफ्यूज हो रही है, सोच रही है कौन सा ले। पानी पूरा सूख चुका है, वहाँ पे सामने जो आपको नदी दिख रहा है ना, पानी यहाँ तक था, ये जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा पानी ही था। हे गाइस, वी आर बैक टू अ न्यू ब्लॉग वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, अभी शाम का बज रहा है 4:30 और धूप तो आप देख ही सकते हैं, बट हवा भी बहुत ज़्यादा बह रहा है, बट गरम गरम हवा गाइस। सो गाइस, पहले वाले पार्ट में आपने देखा कि हम लोग घर से आए पटना, फिर उसके बाद पटना के म्यूजियम में गए, और ये सेकेंड पार्ट है गाइस पटना का। सो गाइस, आज अभी हम लोग जाएंगे डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड मतलब भाई मछली का कोई एकेडमी वगैरह मुझे भी ठीक से नहीं पता है। सो गाइस, आपको चलते हैं और यहीं पे है, मेरे पीछे ही में है गाइस घोड़ा। सो चलते हैं गाइस अंदर, देखते हैं कैसा है और आपको भी दिखलाते हैं। सो गाइस, टिकट विकेट ले लिए और चलते हैं अंदर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा धूप है यार, टिकट ले चुके हैं और अभी ऊपर आ चुके हैं। ये रहा नीचे का माहौल और अब चलते हैं अंदर। तो गाइस, अंदर पूरा मार्केट लगा हुआ है गाइस। चलो चलो ठीक है। तो गाइस, अंदर भी बहुत गर्मी है यार, बहुत गरम गरम हवा बह रहा है और दोनों तरफ दुकान लगा हुआ है। बाकी डिज्नीलैंड तो आप लोग भी जानते ही हैं कैसा होता है, हर तरफ बस दुकान। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी धूप तो आप देख ही सकते हैं। अभी तो बहुत ही कड़ा धूप है गाइस, थोड़ा और शाम होगा, जब अंधेरा हो जाएगा ना तब बॉल बॉल जलेगा, तब मस्त लगेगा। अभी तो धूप ही इतना है कि क्या ही बतलाएं। यही है क्या? सो गाइस, डिज्नीलैंड के अंदर में ही है ये फिश वाला जो मैंने आपको बतलाया था, बट इसका टिकट प्राइस कितना है देखना होगा। एक भाई, ये पर पर्सन का टिकट है 100 रुपया गाइस। तो ये अभी चालू हुआ नहीं है, स्टार्ट होता है तो फिर चलते हैं अंदर। गाइस, अंदर आ चुके हैं, टिकट कटवा कर भाई साहब पर पर्सन 100 रुपया, हम 4 लोग हैं मतलब 400 रुपया लग चुका है गाइस। और आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा है एक्वेरियम। सच बोलूं गाइस तो मैंने जितना सुना था और जैसा मुझको लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। सच बोलूं तो
पैसा बर्बाद इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यार ये क्या है, ये कौन सा एक्वेरियम है यार। मुझे लगा पूरा होगा यार, पानी वानी भरा होगा ऊपर से इधर उधर, और उसके बीच में हम लोग मछलियों के बीच में चलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो गाइस मुझे मतलब कुछ खास नहीं लगा यार, पोपट हो गया पोपट। तो गाइस ए यूबी कहाँ जा रहा है? सो गाइस एक्वेरियम तो मेरे घर पे भी है, और इससे थोड़ा ही छोटा है, और इससे बड़ा ही मछली है मेरे एक्वेरियम में गाइस। सो कोई नहीं, जितना सोचे थे उस हिसाब से तो भाई मुझे बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार लगा यार। मैं पीठ पीछे क्या बोलूँ, मुंह के सामने ही बोला, बहुत ही बेकार लगा। पैसा बर्बाद गाइस, पैसा बर्बाद। कोई नहीं, जब लग ही चुका है पैसा तो मिल लेते हैं, क्या कर सकते हैं गाइस। गाइस फिर से पोपट हो चुका है अपना गाइस। मुझे लगा था कि जो है बस यही एक्वेरियम है बगल बगल में, बट रियल क्या है मैं आपको अब दिखलाता हूँ गाइस। चलो ये देखो गाइस, चेक करो, वीडियो कॉलिंग कीजिएगा, देखा है। चलो ठीक है, मुंह का फूल हो जाए, फूल हो जाए। गाइस मुझे तो लगा बस जो उधर है बस वही साइड में, बट नहीं, यहाँ पर है ना पैसा वसूल। गाइस मैंने इससे पहले जो भी बोला उसको भूल जाओ गाइस, बट ये वाला ठीक है गाइस। अगर वो वाला रहता तो सच में मूड खराब हो जाता, बट ये देखकर मूड थोड़ा ठीक हो गया गाइस। ये सही है गाइस। सो गाइस ठीक है गाइस, पैसा वसूल है, ओके गाइस। उधर वाला तो बहुत ही बेकार लगा, मुझे लगा वैसा ही होगा, बट नहीं, ये वाला सही है गाइस। ये वाला मस्त है, देखो ना मछली वाला, देखो ना कितना बड़ा। सो गाइस बहुत ही बड़ा मछली है, इस मछली को शायद सिंघी मछली बोलते हैं गाइस, आई एम नॉट श्योर, शायद बोलते हैं। सो गाइस बस यहीं तक है, इसके बाहर फिर एक्सिट, बस इतना ही है गाइस। गाइस यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, बस वहाँ से यहीं तक था, ठीक है गाइस। उधर वाला देखे तो यार मेरा तो यार मतलब मूड ही अजीब हो गया, बट इधर वाला देखे तो ये वाला ठीक है गाइस, क्योंकि नेट पे भी मैंने यही वाला देखा था, इधर वाला पूरा ऊपर से नीचे तक पानी और मछली, तो सही है गाइस, इधर वाला सही है। उधर वाला देखकर यार मुझे लगा पैसा बर्बाद, बट ठीक है इधर वाला ठीक था गाइस। तो इधर अब बाहर निकल चुके हैं, अब थोड़ा इधर देखते हैं, उसके बाद चलेंगे बाहर। गाइस प्यास बहुत ही जोर से लगा हुआ है गाइस, पानी मिल नहीं रहा है, बट सामने मुझे पानी का दुकान दिख रहा है गाइस, तो चलते हैं और पानी लेते हैं। बहुत ही गर्मी है गाइस, बहुत ज्यादा। क्या ले रहा है यू भी तुम? देख लो ये बहन से ले लो, वो मत लो, वो छोड़ दो। क्या ले रहा है ये सब? अच्छा देख लो ना, बहुत तेज हवा चल रहा है यार। क्या ले रहा है, पेंसिल कटर ये सब क्या ले रहा है? सो गाइस दीदी भी बैग पसंद कर रही है, दो बैग पसंद आया, बट दोनों में कंफ्यूज हो रही है, सोच रही है कौन सा ले। दोनों का प्राइस भी सेम है, बट समझ नहीं आ रहा है उसको कि ले कौन सा। यही दोनों बैग गाइस, यही दोनों कंफ्यूज है, दोनों में से ले कौन सा। गाइस हम लोग बाहर निकल चुके हैं, अब शाम के 5 बज रहे हैं और धूप अभी बहुत ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा धूप है गाइस।
सो गाइस निकल चुके हैं डिज्नीलैंड से और शाम भी हो चुका है, शाम के 5:30 बज रहा है। सो गाइस चलते हैं अभी मैरिन ड्राइव, जो कि पटना का है, मैरिन ड्राइव है, चलते हैं देखते हैं। वहाँ भी पहली बार जा रहे हैं गाइस वहाँ भी, सो देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी धूप तो है ही गाइस, बट हवा भी बह रहा है जिस वजह से थोड़ा तो राहत है। सो गाइस अब चल रहे हैं हम लोग मैरिन ड्राइव, लेट्स गो गाइस। तो गाइस बहुत ही प्यारा रोड है गाइस, और ये देखिए क्या ही कलाकारी की गई है गाइस दीवालों पे। पटना में एक बात खास है गाइस, आप कहीं का भी दीवार देख लो यार, उसपे पेंटिंग मिलेगा ही मिलेगा आपको। नॉर्मल दीवार, सादा दीवार आपको मिलेगा ही नहीं, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है यार। क्या ही नजारा है गाइस। गाइस पानी पूरा सूख चुका है वहाँ पे, सामने जो आपको नदी दिख रहा है ना, पानी यहाँ तक था। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पानी ही था इसमें। और मैरिन ड्राइव यही है गाइस, सच बताऊँ ना तो हर बार प्रॉपर्टी हो रहा है गाइस उस समय वहाँ डिज्नीलैंड वाटर पार्क वाले में। चलो वो तो ठीक भी था, बट ये कैसा मैरिन ड्राइव है गाइस, यहाँ पूरा सूखा वहाँ पे नदी। यहाँ से दूर दूर तक आपको बस दुकान ही दिखेगा, या फिर इधर देख लो दूर दूर तक दुकान ही दिखेगा गाइस। अभी तो धूप है इस वजह से बहुत सारे दुकान खुला भी नहीं है, बट जब शाम हो जाएगा 6 बजे के बाद, जब थोड़ा डाउन हो जाएगा गाइस, उसके बाद यहाँ पे दुकान लगता है। एकदम मस्त लगे ना गाइस, जब अंधेरा हो जाएगा और लाइट जलता है ना, क्रेजी लगता है गाइस, क्रेजी। अभी तो कुछ वैसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि अभी लोग भी उतना नहीं है और ना दुकान ही खुला हुआ है, तो अभी उतना कुछ खास लग नहीं रहा है। बट चलो ठीक है, जो भी है गाइस सही है यार। बाकी धूप बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। सो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद चलते हैं वापस गाड़ी में गाइस। ये पूरा पानी है गाइस, पूरा पानी है गाइस, और वो है पुल। हम लोग उधर के तरफ से आए तो उधर वाले पुल से वो था गांधी सेतु पुल, और ये दूसरा पुल है गाइस। पूरा पानी है, तो गाइस घर जाते जाते घर पहुंचते पहुंचते शाम के 6:30 बज चुके हैं, और अभी हम लोग सराय में हैं हाजीपुर से आगे। अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है घर पहुंचने में, 7 बज जाएगा इस घर पहुंचते पहुंचते। तो अब थक गए हैं गाइस, अब मन कर रहा है लेट जाने का यार, बट अभी वीडियो एडिट भी करना है, वीडियो अपलोड भी करना है गाइस। बाकी आप मौसम का नजारा देखो गाइस, मौसम का नजारा देखो, मतलब मौसम देखो गाइस, एंजॉय करो। क्या ही मौसम हो रहा है ना गाइस, शाम का मौसम अलग ही होता है गाइस, कुछ भी करो यार। उधर सनसेट होने वाला है कुछ देर बाद, अंधेरा भी हो जाएगा गाइस। हेलो गाइस, वापस घर पे आ चुके हैं, और इधर से जाते वक्त कोजी से कोजी में जो गए थे मिठाई वगैरह खाए थे, तो वहां से आते वक्त मिठाई 2 डब्बा पैक करवा कर लेते आए थे मम्मी पापा के लिए, तो इसको रख देते हैं यहीं पर। और गाइस चलो फाइनली वापस घर आ चुके हैं, सो जल्दी से फ्रेश फ्रेश होते हैं, बहुत थक गए हैं। सो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो सो प्लीज एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल करना सब्सक्राइब, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना गाइस अगर कुछ भी अच्छा लगा हो। सो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस। और अभी वीडियो एडिट भी करना है गाइस, और कल सुबह में वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाएगा। सो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो गाइस, बाय एंड टेक केयर गाइस।
magic. We both know it right away.